मैं उनके लिए एक संघर्ष किया जो बड़े बड़े समानती हुकूमत के लिए उनके पैरवे तले रोदाते थे, मैं उनके लिए संघर्ष किया था। और मैं उनके लिए जब वहां पर संघर्ष कर रहा था तो लगा कि गांव में ही भ्रष्टाचार है, गांव में ही समानती जुलूम है, गांव में ही लुटेरे लोग हैं। मैंने यही समझा। जब मैं जेल में रह करके महोदय मैं चुनाव जीता, सदन का जब मेंबर बना, जब मैं वोट लेने के लिए दिल्ली हुकूमत के पास जब आए, सरकार के पास आए, और पिछला सत्र से मुझे सदन में भाग लेने का, विषय सुनने का, विचार सुनने का, तमाम लोगों को, मान्य लोगों को राय सुनने का मुझे सदन का अनुभव मिला कि यह सदन है क्या। महोदय, आज मैं जो कुछ भी बोलना चाहता हूं, मैं सभापति से कहना चाहता हूं कि कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। इतना समय नहीं है, आप संक्षिप्त कीजिए, संक्षिप्त। जब यहां पर आए, समय नहीं है। सदन से जब लोकपाल जन लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी, लोगों को बहस जब सुन रहा था, सरकार की ओर से जब आंकड़ा पेश हुआ कि विदेश में काला धन 66,00,000 करोड़ रुपया है, विपक्ष की ओर से जब रिपोर्ट पेश किया गया तो 75,00,000 करोड़। बाप रे बाप, हम समझे कि गांव में लुटेरा लोग है, असलत लुटेरा लोग से यहां बैठा हुआ है, असलत कुछ लुटेरे लोग यहां बैठे हुए हैं, चाहे जिस मामले में हो। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे झारखंड आज जल रही है, झारखंड आज जल रहा है, हर दिन घटनाएं घट रही है, वहां गरीब लोग अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, माओवादी मूवमेंट हो रही है। मैं कहना चाहता हूं सदन को, मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि जब चाहे पक्ष की ओर से जन लोकपाल बिल पेश किया गया हो या विपक्ष की ओर से जब बिल जन लोकपाल बिल का जो कृपया संक्षिप्त करें आप जरा, हमको अनुभव होता है आज कि जितना भी जन लोकपाल बिल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जितना भी अधिनियम कानून बनावे, जो जिनको जितना भी सुधार करना है, जितना भी जो सुझाव देना है, सरकार पर एक लाइन में मान लेनी चाहिए, इसलिए कि तभी भ्रष्टाचार हो गया। अब महोदय कम से कम पांच समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, हमको बोलना है, संक्षिप्त करिए। हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, हमको आज माननीय लालू प्रसाद जी सदन में हमको, हालांकि सदन उनकी बात पर बहुत हंसी मजाक हंसा, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी को हमको पूरी बात आज आत्मसात हुआ है, आत्मविश्वास हुआ है, और उनकी बात को मैं पूरी तौर पर मैं समर्थन करता हूं। हालांकि बहुत सारे माननीय लोग सदस्य किए हैं, तो आज मैं भी कहना चाहता हूं कि जन लोकपाल बिल में निश्चित तौर पर माइनॉरिटी का आरक्षण मिलनी चाहिए, हर दलित ओबीसी जनजाति अनुसूचित जाति तमाम लोगों का आरक्षण मिलनी चाहिए, साथ साथ हमारी कोटा भी निर्धारित होनी चाहिए। समाप्त करें आप। मेरे महोदय, आज प्रशांत जो प्रशांत कुमार मजूमदार इस सदन में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप प्रशांत कुमार मजूमदार जी बोलिए, आज लोकपाल, आप बोलिए, शुरू करिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। हम लोग शुरू कर, बैठ गए, आप बोलिए। ऑनरेबल स्पीकर, आई ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी आरएसपी रिफ्रेम द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड वुड लाइक टू मेंशन द